संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक में फिर से इनेलो की पकड़ बनाने के लिए इनेलो सुप्रीमो इन दिनों कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। यमुनानगर पहुंचे ओपी चौटाला ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और जेजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। चौटाला ने करनाल लाठीचार्ज पर बोलते हुए कहा कि जिस अधिकारी ने सिर फोड़ने का आदेश दिया उसके तबादले से हम संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे सजा मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, हमारे साथ ही किसानों की महापंचायत में उत्तर प्रदेश जाएंगे। तीसरे मोर्चे को लेकर चौटाला ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों में नेताओं से मिलकर उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। आज जनता दुखी है और इस सरकार के पतन के लिए तीसरे मोर्चे का गठन होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ विभिन्न राजनीतिक दलों के अग्रणी नेताओं के साथ जोड़ा जाए और सन 1978 की तरह तीसरे मोर्चे का गठन किया जा सके। उसके लिए उम्मीद आपको ये करनी चाहिए कि 25 सितंबर को जींद में जो लोग आएंगे उन सभी लोगों से परामर्श भी करेंगे, हम उनका मन टटोलेंगे और उम्मीद रखता हूँ कि सभी परेशान और दुखी लोग निश्चित रूप से इस सरकार का पतन करने के लिए तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे।